विकास आपको मिलने नहीं आएगा, वरना सड़कों में बैठे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। जैसे तक आगे यहाँ बता दे उसके बाद हम बात नहीं करेंगे। किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अभी मनेंद्र भाई कह रहे थे कि सरकार आपको थकाने। साथ ही आप क्या बता के बैठे हो, आने वाले समय में हमें हम यही कहना चाहते हैं सरकार को, जो आबाद के अंदर सरकार ने किसानों के साथ किया उसको या तो सरकार माफी मांग ले, और जो किसान साथी अंदर हैं उनको छोड़ दे, और जो हमारी मांग है एमएसपी की वो मान ले। नहीं तो आज जिस प्रकार से यहाँ पे किसान पूरे देश से इकट्ठा हो रहा है, वह एमएसपी ये बिगाड़ यहाँ से नहीं जाएगा, वह अपनी मांगे मना करके यहाँ से जाएगा और कड़ा फैसला लेगा। ये जो सरकार है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब घोषणा कर रही है, ये मिठे जो लॉलीपॉप है वो देने की कोशिश कर रही है ताकि इन किसानों में पार पड़े, और ये पारने का काम कर रही है, क्योंकि इनके झूठे वादे सामने आ चुके हैं, सभी के सामने आ चुके हैं। क्योंकि मोदी सरकार भी कहती थी कि मैं पहली कलम से स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, पर नहीं कर पाया, और किसानों को के ऊपर उल्टे काले कान थोपने का काम कर रहा था। वो भी 13 महीने किसानों ने वहाँ पे दिल्ली को जाम करके रखा, तो वापस करा के आए थे, और आज एमएसपी की लड़ाई भी इसी प्रकार से लड़ी जाएगी। तो इसमें जो भी किसान मोर्चा फैसला लेगा उसमें कड़ी से कड़े काम किए जाएंगे। दिलबाग सिंह, भारतीय किसान यूनियन, जिला महासचिव। आज किसान महापंचायत है, किसान मंडी में रखी है, बहुत बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं, ये एक बहुत तगड़ी पंचायत रखी हुई है। ये एमएसपी की गारंटी के लिए मांग के लिए पंचायत रखी गई है, ये बड़ी संख्या में किसान बोले सभी राष्ट्रीय संगठन आ रहे किसान संगठन। तो हमारी सरकार से यही लड़ाई है कि हमारी एमएसपी दी जाए, और ये अगर नहीं हमारी एमएसपी की कोई बातचीत होती है तो किसान संगठन यहाँ पर सभी एक कड़ा फैसला लिया जाएगा। जो किसानों को गिरफ्तार किया गया क्या कहेंगे? उनके रिहाई के लिए भी अपील की जाएगी। गुना सिंह चुनी जो गिरफ्तारी दी गई है, हमारी रिहाई के बदले एमएसपी जरूरी है उसके अजीत सिंह।